मेरा चैनल कैसे हो आप सब। सो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, सुबह नहीं है, दोपहर के 1 बज रहे हैं। सब लोग अपना नाश्ता पानी करके बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बेटू पढ़ चुकी है और भैया पढ़ रहा है अभी। और इनके पापा गए हुए हैं कचहरी, क्योंकि उन्होंने अपनी जो राइफल का लाइसेंस है रिन्यूअल के लिए दिया हुआ था, तो उसी में कुछ झोल झमागा चल रहा है। जिसको दिया था ना, तो वो पता नहीं क्या कर रहा है, पैसे भी ले लिए हैं और अभी काम भी कंप्लीट करके दिया नहीं। उनकी छुट्टी ख़त्म होने वाली है तो वो चले जाएंगे वापस, तो फिर कह रहे हैं पड़ा रह जाएगा। तो वही वो गए हुए हैं कि उससे क्लियर बात करें और करवा के वो दे जल्दी, तो वहीं गए हुए हैं। और आज फिर मार्केट जाना है, क्योंकि कल मैं जो गाउन लाई हूँ उसको मुझे चेंज करना है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा स्पार्कल, मुझे लगा वो कपड़ा ऐसा है बट वो स्पार्कल जो है ना उससे इतना ज़्यादा निकल रहा है, पूरी बॉडी में लग रहा है मेरे। सो उसको चेंज करके रिटर्न करके बेटू के लिए कुछ गाउन वगैरह ले लेंगे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा कैमरा थोड़ा गंदा है, इसको क्लीन कर लेती हूँ मैं। सो मैंने अभी तक नहाया नहीं है, मेरा आज मन नहीं कर रहा था नहाने का बट अभी मैं सोच रही थी नहा लूँ, लेकिन अभी टंकी का पानी बहुत उबल गया होगा, खौल गया होगा, तो उसको नहाने कोई फायदा नहीं। कल भी मैंने ऐसे ही नहा लिया था, तो नहाने का कोई मतलब नहीं था, मतलब स्वेटिंग हो रही थी इतनी ज़्यादा नहाने के बाद। तो नाश्ता तो हो गया, कल रात में जो मटर पनीर की सब्जी बची थी उसी को फ्रिज में रख दिया था, और क्या कहते हैं पराठा बना दिए थे सुबह, तो सबने वही खा लिए हैं। अब वो लौट के आए, क्या खाना बनना है, क्या खाएंगे, तो फिर उस हिसाब से बनेगा। सो मैंने उस दिन रसगुल्ले बनाए थे, रखे हुए हैं, तो मैं सोची दो तो खा लेती हूँ। ये रसगुल्ले जो मैंने बनाए थे कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। ओहो, नहीं बोलना, नहीं बोलना, मैं तो चिड़ी रहती है चिड़ाकू कहीं की। सो भैया हमारा यहाँ पे अपने स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर रहा है, वो भैया के इतने सारे चार्ट वर्क, मतलब चार्ट वगैरह इतने भैया ने फैला रखे हुए हैं, जैसे भैया आर्किटेक्ट बन गया है और बस इतना सारा उसके पास वर्क पड़ा हुआ है। बट ये भैया ये चार्ट ना भैया कल से बना रहा है और अभी तक इसका बना नहीं है। तो भैया ये कर रहे हैं हमारे। तो बेटू रेडी हो गई है और ये भी अपनी खुजली कर करके रेडी हैं, हम लोग निकलते हैं। भैया ने यहाँ पे फैला रखा है कबाड़, तो हम लोग निकल रहे हैं। धूप बहुत तेज है और झींगुर, क्यों आजकल झींगुर इतनी ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो बेटू कैप मांग रही है, भैया कैप नहीं ले तो अपना स्टॉल दे दो, स्टॉल ले आओ ना, वो पिंक वाला ले आओ। तो हम लोग निकलते हैं धूप बहुत, क्योंकि एक्सचेंज करने का टाइम दिया हुआ है, इसी टाइम पे दिया हुआ है, इसके बाद एक्सचेंज नहीं करेंगे हम, तो इस टाइम पे जाना पड़ेगा हमें। कल से मैंने आज फ़ोन जो है कैमरा ऑन किया हुआ है, क्योंकि क्या चिपका दिया था उस लड़के से, मैंने बोला था कि अपने अलमारी सेट करके रखो, तो वो तो कर लिया। अब ये पता नहीं क्या नया है यहाँ पर लगा के रखे, आप कहीं जो स्केचिंग कर रहा है ना वही इसने चिपका दिया है हमें। और अभी कमरे के बुरे हाल हैं, अभी जब आज मैंने पूरा किचन क्लीन किया है क्योंकि तबीयत खराब थी, इस वजह से ये लोग कर रहे थे, तो पूरा घर इतना फैला पड़ा था। किचन मैंने आज मैंने किचन में खाना बनाया नहीं, अभी तक यही लोग कर रहे थे। तो आज खाने में मैंने बनाया है कटहल की सब्जी, पंखा चल रहा है टाइसन का तो आवाज़ आ रही होगी थोड़ी, कटहल की सब्जी, चावल, रोटी साथ में है, आम। पहले मैंने सोचा रायता बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया क्योंकि आम है, और गर्मियों में खाने के साथ मतलब आम होता है ना, तो कुछ भी खा लो। साथ साथ से वॉशिंग मशीन भी चल रही है, ये लगी हुई है, इसमें बेडशीट वगैरह है और सबने नहाया तो सबके कपड़े वपड़े तो धो गए, अभी बेडशीट धो रही है। सो मुझे डालनी है, सब्जी पक गई है, उसमें धनिया डाली, मैं धनिया ले लेती हूँ। तो ये है मेरी कटहल की सब्जी, अब इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया, और गरम मसाला मैं पहले ही डाल देती हूँ इसमें, तो क्या होता है बाद में क्योंकि मैं डालना भूल जाती हूँ, इसलिए अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ और रोटी बनाना शुरू करेंगे। तो भैया हमारा, मैं बेल रही थी और भैया रोटी सेक रहा था, तो रोटियाँ हमारी बन गई हैं, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। क्या है हमारा खाना, सलाद, आम, सब्जी, रोटी, चावल रखा हुआ है, बाद में खाएंगे। सुबह खाना खाने के बाद ना सो गई थी, और अभी हम जा रहे हैं, मैं सुबह मंडी गई थी ना तो वहाँ से लाई थी हम कटना,
आम कटना भैया से निकलवा दी हूँ, क्योंकि गए थे मंडी जब सुबह सब्जी लेने गई थी तो मैं लाई थी वो क्या बोलते हैं भैया, इसको धोना पड़ेगा कि कच्चे आम ले आई थी, तो क्योंकि आम का अचार रखना था, मेरे हाथ से रुकता नहीं है, उसमें फंगस लग जाती है भैया, उसमें धार है तो मत करो, हम करेंगे तक इधर। तो क्या होता है ना, मैं कोई भी अचार रखती हूँ, आंवले का, नींबू का बस रुक जाता है, उसके अलावा मिर्ची का, आम का, सब में फंगस लग जाती है, ख़राब हो जाता है, नहीं रुकता है, किसी किसी के हाथ से हो जाता है। इनके हाथ से मैंने पिछली बार ट्राई किया था कि रखवा के देखूँ, शायद मतलब किया मैंने पूरा था, इन्होंने मिक्स करके भर दिया था जार में, तो इनके हाथ से रुक गया, अभी तक वैसे को वैसे रखा, उसमें फंगस वंगस कुछ भी नहीं लगी है। तो वही मैंने सोचा कि ये अभी इनकी छुट्टी खत्म हो जाएगी, चले जाएंगे, नहीं तो फिर आएंगे 4 महीने बाद, तो आम का सीजन चला जाएगा तब तक। तो मैंने सोचा कि ये है तो मैं अभी रखवा लूँ, पूरा मैं करूँगी, बस ये मिक्स करके रख देंगे। तो मैं वही सुबह लाए थे उसको, दो धुल धुल के पानी में डाल के रख दिया था, फिर अभी निकाल के रख दिया है, उनका पानी पूरा वो हो जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद उनको हम काट के जो है रख देंगे। भैया नहीं, क्या कर रहे हो, आलू काटना शौक लगा है, आलू ही काटे दे रहा है, बर्बाद कर रहे हो, हाथ में लग जाएगा ना गलती से, उंगली अलग हो जाएगी है, चलो हटो। सो ये होता है आम कटना, जिससे ना आम काटा जाता है, इसमें भी काटी जाती बीच है। में रख के ऐसे मारते कच कट जाता है, लाइक दिस, तो इसे काटेंगे हम लोग, नहीं अब खिलवाड़ की चीज नहीं होती है सब चीजें, लाइक दिस। ड्रॉ किया है, मैंने कलर किया है। हाँ कैसा है, अच्छा लग रहा है, इसको कल ना रिक्रिएट करूंगा। अच्छा, उससे पहले मैं पीऊंगी चाय, अपनी चाय बनाऊंगी। इनका बेटा काम कर रहा है, इनकी नचपती बहू थी, मतलब बेटी काम नहीं कर रही है, बहू कहाँ से अभी आ गई नचपती बहू, अब भैया ने अपनी बीवी को नकचपटी बोल दिया है अभी से, अब इसकी बीवी जब आएगी तो मैं बोल दूंगी नकचपटी बहू, ठीक है, तुमने खुद नामकरण कर दिया, अब तुम्हारी बीवी को मैं नकचपटी बहू दूंगी, तुमने बेटी दीदी को नहीं, तुम्हें मुंह तो निकाल नकचपटी बहू। तो मैं पहले बना के पी लेती हूँ चाय, इन्होंने पी ली, मैं सो रही थी, जग रहे थे तो इन्होंने पी ली, मैं अपने लिए बना के पी लेती हूँ। तो यहाँ पर आम जो है ना सूख गए थे, उनका पानी सारा हट गया था, तो शाम भी हो गई थी, 7 बज गए थे, तो मैंने सोचा इनको मैं आम से कर आम कटना से ना इसको कट करके वैसे फाकों में वो करके रख देते हैं, जैसे आम बनते हैं ना कली कली में काट देते हैं इनको, तो इसलिए मैं काट के इसको रख रही थी। भैया हेल्प कराने के लिए आया था, लेकिन फिर भैया से हो नहीं रहा था, तो भैया फिर मोबाइल देखने लगा बैठ के, और मैं यहाँ पर ऐसे इनको कट करके सारे रख लूँगी, ऐसे इनका बीज निकाल करके। मैं रात के खाने में आज बना रही थी बाटी चोखा, हस्बैंड बोल रहे थे खाने के लिए, तो मैंने कहा बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही बेसन भून रही थी, और मैंने हस्बैंड बाहर मार्केट गए हुए थे शाम को, तो मैंने सोचा मैंने उनसे अचार के लिए जो सामान होता है ना, और जो चीनी वगैरह ख़त्म थी वो सब लिख के दे दिया था पर्ची में, तो वो ले आए थे। तो मैं बेटू से बोल रही थी कि तुम इधर रखती जाओ सामान, तो फटाफट से होता जाएगा, तो उसे डालते नहीं बन रहा था, तो मैंने कहा लो मैं डाल देती हूँ चीनी। तो एक तरफ बेटू सामान रखती जा रही थी जो उससे बन रहा था, और मैं इधर फटाफट बाटी का तैयारी करती जा रही थी, क्योंकि बाटी बनाने में बहुत टाइम लगता है, मतलब इसको बनाओ ना तो आराम से आपको 2 घंटे चाहिए बनाने के लिए बाटी। तो यही सब जो खड़ा मसाला होता है ना, सौंफ, जीरा, वही ये सब मैंने मंगाया था, तो वही मैं देख रही थी क्या कैसा है। यहाँ पे मैंने पूरा जो कट करके रखा हुआ था ना, उनके सारे बीज निकाल दिए थे, और फिर मैं हस्बैंड से कही थी मैं इसमें हल्दी और नमक डाल देती हूँ, तो इसको मिक्स करके रख दो, तो मेरे यहाँ चिड़िया बहुत है, तो इसमें ना रात भर इसको इसमें हल्दी और नमक मिक्स करके रख देते हैं, तो जिससे कि आम जो होता है ना ये पानी बहुत छोड़ता है, तो इसका जितना पानी होता है ना सारा वो रात भर में निकल जाता है, फिर इसको एक डलिए में डाल के इसका पानी निकाल के इसको धूप में सुखा ले, या तो फिर उसमें क्या कहते हैं हवा में पंखे में ही सुखा लिया जाता है। तो इसको रात भर के लिए ऐसे ही रख के छोड़ देंगे, और इसको फिर सुबह क्या है धूप में डाल दूंगी, तो दिन भर में ये सूख जाएगा, और शाम को मैं मसाला तैयार करके आम का अचार रख दूंगी। अब हम जा रहे हैं सोने, क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही है, रात बज गए हैं 11:30, खाना पीना करते करते, तो अब हम लोग जा रहे हैं सोने, और ब्लॉग को मैं कर रही हूँ एंड।
और भैया का दांत टूट गया है हमारे खाना खाते खाते, तो भैया परेशान ही कर रहा अभी जगते रहो रात में थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है मेरा दांत अगर सोते सोते टूट गया तो मैं कहीं उसको अंदर ना ले जाऊँ, मैंने निगल लिया तो मेरे पेट में चला जाएगा, तो इसलिए वो थोड़े टेंशन में है। तो ब्लॉग करिए एंड, और मिलूंगी आप सबसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।